नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा बैन हटाया, राजनीति में नहीं आएंगे रजनीकांत, ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा, 31 दिसंबर है ITR फाइल करने की अंतिम तारीख। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाइए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बलूचों ने पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसी खबर है कि बलूच विद्रोही अब शहरों में चीनी नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। कोरोना के मामले के बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा हमें कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई तो अमेरिका के साथ सैन्य समझौता को रद्द कर दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DFC खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने ऐलान किया है कि वे राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, जहां इसके लिए उन्होंने खराब स्वास्थ्य को कारण बताया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज बीरभूम के बोलपुर में एक रैली के दौरान भाजपा को घेरते हुए कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि रुपए देकर विधायक खरीद लेंगे और TMC खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले उन्हें पता करना चाहिए कि आखिर TMC बनी कैसे है। गुजरात में भाजपा को झटका लगा, क्योंकि जनजातीय मामलों पर मुखर रहने वाले गुजरात के भरूच से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वसावा ने आज BJP की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एयर इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन ने एयर इंडिया के निजीकरण से पहले मेडिकल और प्रोविडेंट फंड जैसे मुद्दों का निपटारा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है और इस संबंध में यूनियन ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र भी लिखा है। IMD ने मौसम का ताजा अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में 31 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहेगी, साथ ही उत्तर भारत में कोहरा भी छाए रहेंगे। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात से बैन हटा लिया है और अब 1 जनवरी 2021 से फिर से प्याज का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को वाईफाई देने का ऐलान किया है, जिसके लिए दिल्ली सरकार वहां 100 मीटर के दायरे में हॉटस्पॉट लगाएगी। खबर है कि कांग्रेस पार्टी का आगामी अधिवेशन राजस्थान में हो सकता है। आपको बता दें कि ये अधिवेशन अगले साल 15 फरवरी से पहले होना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में राम मंदिर की रैली को लेकर बवाल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इंदौर में राम मंदिर को लेकर एक रैली निकाली जा रही थी, जिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है, जहां इस मौके पर CM हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाले 5 सालों में जिस लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़े हैं, उस हिसाब से राज्य को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। कश्मीर घाटी में फिर से जमकर बर्फबारी हुई है, जिस कारण यहां का नजारा काफी खूबसूरत दिख रहा है और कारोबारियों को भी काम बेहतर होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अब तक 4.37 करोड़ ITR दाखिल हो चुके हैं, जहां ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक सुरक्षा को लेकर अब काफी गंभीर हो गया है, जहां इस बीच खबर है कि फेसबुक पर नए साल से नए सिक्योरिटी फीचर भी जोड़े जाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक लड़कियां अक्सर उम्र में खुद से बड़े पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है। शोधकर्ताओं की माने तो जो महिलाएं खुद कमाती हैं, उन पर ये बात ज्यादा लागू होती है। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने कहा है कि कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण शतरंज पर इसका सकारात्मक असर पड़ा, क्योंकि इससे खेल को ऑनलाइन तरीके से विस्तार करने का मौका मिला।
सीबीएफसी ने दिल्ली स्थित जेएनयू में हुए छात्र के विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि पर आधारित मलयालम फिल्म वर्तमानम को हरी झंडी देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन प्रतिष्ठित फिल्मकार सिद्धार्थ शिवा ने किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत आज मुंबई पहुंचने के बाद मुंबा देवी और सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, जहां इस दौरान वो मराठी मुलगी बनी नजर आई। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाइए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।